सर मम्मा कसम नहीं कटेगा ना, सर भगवान कसम खा के बोलता है कोई भी आपका अकाउंट से पेमेंट नहीं कटोगा। माँ का कसम खाइए सर, कभी भरोसा करूंगा। क्या बोले सर? माँ का कसम खाइए सर, कभी भरोसा करूंगा मैं। सर माँ कसम खा के बोलते हैं कोई भी पेमेंट आपका खाते से कटेगा नहीं, ये कस्टमर केयर है सर। एंटर अमाउंट आ रहा है सर। एंटर अमाउंट का नीचे में देखो सर, एड ए मैसेज लिखा हुआ है, एड ए मैसेज। हाँ 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 एड ए मैसेज में वहाँ पर रिफंड लिखी थी, रिफंड आर ई आर ई एफ यू एफ यू एन डी। हाँ रिफंड। और बैलेंस कितना कट हुआ आपका? 1100 1100। 1100 वहीं पे लिखिए सर, रिफंड जहाँ पर लिखे एक बार गैप दीजिए, इस पे डाल करके वहीं पे लिखिए सर। हाँ लिख दिया रिफंड 1100 लिखे सर। हाँ हाँ जी। अभी उसके ऊपर में देखिए सर, इंटर अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है सर? एंटर अमाउंट हाँ लिखा आ रहा है। हाँ इंटर अमाउंट में बैलेंस रिफंड होने का क्यू आर आई डी नंबर लिखिए सर, 4848963। 4848963 बराबर है। नीचे में देखो अभी ओके लिखा आ रहा होगा, ओके कीजिए सर। ओके लिखा नहीं आ रहा है सर। सेंड लिखा है नीचे? हाँ हाँ सेंड लिखा आ रहा है। सेंड क्लिक कीजिए सर। सर ये अगर सेंड करूंगा तो मेरे खाते में से 48,000 कट जाएगा ना सर? वो बैलेंस वो कटेगा नहीं सर, वो बैलेंस रिफंड होने का वो क्यू आर आई डी नंबर है, कोई भी अमाउंट आपका कटेगा नहीं सर। आपने नीचे में रिफंड लिख के 1100 लिखे है ना सर? वो तो चलो वहाँ पर तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर अमाउंट पे लिखेंगे तो ये अमाउंट कटेगा, मैं 100% श्योर हूँ सर। कटेगा नहीं सर, ये फोन पे कस्टमर केयर है सर, प्लीज सर बैलेंस कटने का बात नहीं कर सकते हैं सर, ये वॉइस कॉल रिगार्डिंग कॉल होता है सर। एक्चुअली अगर इस तरह बोलेंगे सर तो हम लोग का प्रॉब्लम होता है सर, क्योंकि सर ये कॉल रिपोर्ट कॉल होता है। ओके सर, कोई भी अमाउंट आपका अकाउंट से कटेगा नहीं सर। कीजिएगा तो उस टाइम आप यूपीआई पिन डालेंगे तो आपको वहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक रिफंड लिखा आएगा और एक कैंसिल लिखा आएगा, तो आपको रिफंड में क्लिक करना है। ओके सर? नहीं सर ये तो कटेगा सर, श्योर हूँ मैं, पक्का कटेगा ये तो अमाउंट। सर कोई भी अमाउंट आपका अकाउंट से नहीं कटेगा सर, ये कस्टमर केयर नंबर है सर, आप गूगल से नंबर निकाल के फोन पे कस्टमर केयर में कॉल किए हैं सर। हाँ तो कैसे आपका बैलेंस कटेगा सर? लेकिन कोई भी अमाउंट आपका अकाउंट से नहीं कटेगा सर। लेकिन सर मैं अभी आप सेंड क्लिक करेंगे, सेंड क्लिक करने के बाद आपका यूपीआई पिन ऑप्शन आएगा, यूपीआई पिन डाल के ओके करेंगे, उसके बाद वहाँ पर आपका दो ऑप्शन आएगा, एक रिफंड लिखा रहेगा और कैंसिल लिखा रहेगा, तो आपको कैंसिल में क्लिक नहीं करना, ओनली आप रिफंड में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है सर, मैं अगर आप अपने दोस्त को पैसा ट्रांसफर करता हूँ तो उसको भी तो ऐसा ही सेम प्रोसेस ही तो है, सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे, लेकिन आप ये बैलेंस रिफंड आईडी नंबर लिखे हैं तो जब आप यूपीआई पिन डालेंगे तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन खुल जाएगा, एक रिफंड और एक कैंसिल, तो उस टाइम आप रिफंड में क्लिक कर देंगे तो बैलेंस आपका जो कट हुआ है 1100 वो बैलेंस आपका रिफंड होगा सर। इसके लिए डोंट वरी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कोई भी अमाउंट आपका अकाउंट से कटेगा नहीं सर। सर पक्का नहीं कटेगा? पक्का नहीं कटेगा सर, ये कस्टमर केयर है सर, आपको ऐसा बिलीव कैसे कर रहे हैं सर जो बैलेंस कट जाएगा सर? बैलेंस क्यों कट होगा सर आपका? सर बैलेंस कट हो गया तो फिर? सर मेरा नाम दीपक वर्मा है, मेरा एम्प्लॉय नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, अगर ऐसा डाउट आपको फीलिंग हो रहा है कि बैलेंस कट जाएगा तो सर मेरा एम्प्लॉय नंबर भी नोट कर सकते हैं। इसके लिए डोंट वरी सर, कोई भी अमाउंट आपका कटेगा नहीं, आप गूगल से नंबर निकाल के कॉल किए ना सर फोन कस्टमर केयर में? हाँ। तो कैसे बैलेंस कटेगा सर? आप अगर गूगल से नंबर निकाल के कॉल किए हैं तो फिर बोल रहे बैलेंस कट जाएगा, फोन पे का सर इतना बड़ा ऑनलाइन ऐप है पेमेंट करने के लिए और बोल रहे पेमेंट कट जाएगा, अगर ऐसा पेमेंट कट जाएगा तो फोन पे कौन चलाएगा सर? सर बहुत, मैं तो एक बहुत गरीब आदमी हूँ, अगर कट गया तो इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा कट गया तो नहीं होगा, कोई भी अमाउंट कटेगा नहीं, जो 4863 लिखा है सर वो बैलेंस रिफंड होने का वो क्यू आर आई डी नंबर है। इसके लिए आई डोंट वरी सर, कोई भी पेमेंट आपका कटेगा नहीं सर, आप प्रोसेस कंप्लीट कीजिए सर, सेंड क्लिक कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे क्या हो रहा है। सेंड क्लिक कीजिए सर। पक्का नहीं कटेगा ना सर? आप श्योर हो? क्लिक कीजिए सर, पक्का कोई भी अमाउंट आपका नहीं कटेगा सर, सेंड क्लिक कीजिए सर। सर मेरा तो सर श्योर हो ना सर नहीं कटेगा? सर बैलेंस आपका नहीं कटेगा सर। फिर भी सर डर लग रहा है, सेंड करूंगा यूपीआई आप पिन आएगा, यूपीआई पिन डाल के ओके करेंगे तो आपको वहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक रिफंड लिखा और एक कैंसिल लिखा, तो आप ऑनली रिफंड में टच कर देंगे सर। आप सेंड क्लिक कीजिए सर। सर प्लीज सर कटेगा नहीं ना, श्योर बोल रहे हो ना आप? श्योर बोल रहे हैं सर, बैलेंस नहीं कटेगा, बार बार कितना सी बार एक ही बात बोलेंगे सर कि बोल रहा हूँ कि नहीं पेमेंट कटोगे। सर अभी आप समझिए ना, अभी मीन्स कैसे भरोसा, मीन्स भरोसा ना? प्रॉब्लम नहीं है सर, इसके लिए डोंट वरी सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, कम्प्लीट कीजिए सर। ओके सेंड दबा दूं ना सर? सेंड क्लिक कीजिए। अच्छा नहीं कटेगा ना? पक्का नहीं कटेगा सर, एक ही बार 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 बोल रहा है सर। ओके सर डर लग रहा है सर, ऐसे मीन्स क्यों ना सर, अगर मैं दोस्त को पैसा ट्रांसफर करता हूँ तो सेम प्रोसेस है, ऐसा ही पैसा ट्रांसफर होता है? दोस्त को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो सेम प्रोसेस इसी तरह आएगा, लेकिन अभी आप यूपीआई पिन डालेंगे तो आपको वहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएगा, एक रिफंड लिखा आ जाएगा और एक कैंसिल लिखा आ जाएगा, तो आपको ओनली रिफंड में क्लिक कर देना है सर। ओके आपका कट नहीं होगा सर, प्रोसेस कम्प्लीट कीजिए, कोई भी पेमेंट आपका कट नहीं होगा सर। पक्का ना सर? पक्का सर नहीं कटेगा सर, एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ सर, बिजली आप नहीं समझ रहे हैं सर, डर लगता है ना, मेहनत का पैसा है, अगर कट गया तो 48,000 कट जाएगा, इसलिए तो डर रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं, आप सेंड क्लिक कीजिए, कोई भी अमाउंट आपका कट नहीं होगा, सेंड क्लिक कीजिए सर। आप सर मम्मा कसम नहीं कटेगा ना? सर भगवान कसम खा के बोलता है कोई भी आपका अकाउंट से पेमेंट नहीं कटोगा। माँ का कसम खाइए सर, कभी भरोसा करूंगा। क्या बोले सर? माँ का कसम खाइए सर, कभी भरोसा करूंगा मैं। सर माँ कसम खा के बोलते हैं कोई भी पेमेंट आपका खाते से कटेगा नहीं, ये कस्टमर केयर है सर, ये फोन पे का। सर रिकॉर्ड, ओके आप रिकॉर्ड हो रहा है बोल, मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी कंपनी में? तो आपने माँ का कसम खा लिया तो वो रिकॉर्ड मुझे सेंड कर देना बाद में। जी सेंड कर देंगे सर, आप सेंड क्लिक कीजिए अभी। ओके सर दबा दूं? जी दबाइए। ओके दबा दिया, बता रहा हूँ सर। लोड हो रहा है। फॉर सिक्योरिटी रीजन यू आर नॉट अलाउड टू सेंड मनी फ्रॉम योर अकाउंट नंबर फॉर दिस पेमेंट, बोल के आ रहा है। क्या बताया वहाँ पे अभी? यू हाँ हाँ सेंड क्लिक किया, उसके बाद मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुन लेना। नहीं नहीं सेंड क्लिक किया, उसके बाद आप सेंड क्लिक करने के बाद वहाँ पे
क्या ऑप्शन अभी आया सर? हाँ, ये क्लिक करने के बाद फॉर सिक्योरिटी रीजन यू आर नॉट अलाउड टू सेंड मनी फॉर योर बैंक अकाउंट फॉर दिस पेमेंट नोट यू डोंट हैव टू एंटर योर यूपीआई पिन टू रिसीव मनी कैशबैक बोल रहे सर। सेंड क्लिक कीजिए वहाँ पर। सर यहाँ पे तो क्लियरली लिखा है कि यू डोंट हैव एंटर टू, यहाँ पर एंटर मत करना, यूपीआई पिन बोल रहा है। यूपीआई पिन एंटर करने का ऑप्शन आया अभी? आया नहीं, गॉट इट का ऑप्शन आ रहा है। वो इट लिखा आ रहा है क्या? गॉट इट बोल के आ रहा है, उसको क्लिक करके देखूं? क्लिक कीजिए। हाँ अभी सेंड, फिर से सेंड आ रहा है, सेंड दबा दूं? सेंड दबाइए। लेकिन सर इधर ऐसा आ रहा थी, अरे सेम आ रहा है सर, गोल आ रहा है ना। हाँ सेंड क्लिक कर रहे तो गोल्ड से लिखा जा रहा है सर। हाँ फॉर सिक्योरिटी रीजन यू आर नॉट अलाउड टू सेंड मनी ऐसा आ रहा है। आप तो आपका फोन पे का नंबर बोलिए सर, ये ऑप्शन से नहीं हो पा रहा है। अपना फोन पे का रजिस्टर नंबर बोलिए, आपको भेज दे रहा हूँ। फोन पे का नंबर बोलिए, रजिस्टर नंबर सर आप। हाँ मेरा नंबर यही है सर, जो नंबर है यही नंबर है जिससे आप कॉल किया, यही नंबर है ना? हाँ सर। तो सर अभी बैग चला जाऊं? हाँ ओके। हाँ बैग चला गया सर। टू कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है वहाँ पर, टू कॉन्टेक्ट। टू कॉन्टेक्ट हाँ आ? पहले हम लोग टू कॉन्टेक्ट पे गए थे, टू अकाउंट पे गए थे सर। टू अकाउंट में गए थे, इस बार आपको टू कॉन्टेक्ट में जाना है। ओके ठीक है। हाँ सर्च एनी मोबाइल नंबर बोल के आ रहे हैं। ओके हाँ बोलिए सर। वहाँ पे देखिए आपको टू कॉन्टेक्ट अभी दोबारा क्लिक कीजिए। हाँ यहाँ पर राणा, यहाँ पर एक नाम से रिफंड 1100 रिफंड आईटी कोड ऐसा आ रहा है सर, ऑटोमेटिक आ गया ये मैसेज। ओके करो। ये ऑटोमेटिक कैसे आ गया सर? ऑटोमेटिक नहीं आया है सर, अभी वो रिफंड आएगा, उसको कंटिन्यू कीजिए। ओके कीजिए। ओके ये आपने सेंड किया है जी? कंटिन्यू किया है। हाँ कंटिन्यू किया है, कर लिया। अभी क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर? ये आपका ये जो सेंड किया था उस नाम से कॉल किया गया एंड यहाँ पर रिफंड 1100 रिफंड आईडी कोड दिखा रहा है 48963। ओके यहाँ पर 4896 ये क्या था, 3। हाँ अभी सेंड क्लिक कीजिए सर। सेंड ओके सेंड, वन मिनट। यूपीआई पिन पूछ रहा है सर। लेकिन सर मैंने जब दोस्त को ट्रांसफर किया था सेम प्रोसेस ऐसा ही आया था, सेम टू सेम बैलेंस आपका कट नहीं होगा, सेम प्रोसेस है। यूपीआई पिन डाल के अभी कीजिए सर। ओके यूपीआई पिन नहीं कटेगा ना पैसा तो सर? ये फिर आप अलग तरीका बता रहे हो, इसमें से भी नहीं कटेगा पैसा? कोई भी अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा आपका, यूपीआई पिन डाल के ओके कीजिए। बहुत नाराज से बात कर रहे हो सर, क्या हो गया, गुस्सा हो गया क्या? गुस्सा क्यों होंगे सर, आप एक ही बार 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 बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे आपको सर? आप कस्टमर कह रहे हो, अगर आप ही नाराज हो जाओगे हम लोगों से तो कैसे चलेगा? नहीं है प्लीज सर, यूपीआई पिन डाल के उसको वेरीफाई कीजिए, दूसरा कस्टमर का भी कॉल आता है, ओनली आप नहीं अकाउंट पे यूज करते हैं तो बाकी लोग भी तो होंगे ना सर कस्टमर कह, आप अकेले हो क्या? अकेले नहीं है, यूपीआई पिन डाल के ओके कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए, ओके कीजिए। आप पहले इतने नाराज से बात कर रहे हो, पहले सॉरी बोलिए, नहीं तो नहीं डालूंगा मैं। सॉरी क्यों बोलूं मैं आपको सर? आप इतने नाराज से क्यों बात कर रहे हैं? आप तो कस्टमर कह रहे हैं, आपको तो प्यार से बात करना चाहिए। ओके सर, आप पिन सेटअप करेंगे वो ऑप्शन आ जाएगा, आप रिफंड में क्लिक कर दीजिएगा। ओके यूपीआई पिन डाल रहा हूँ सर, पहले सॉरी बोलिए एक बार। सॉरी बोलो आपको पहले, मैं जब कोई गलती नहीं किया तो सॉरी आपको क्यों बोलूं? इतने नाराज से क्यों बात कर रहे हो? क्या गाली क्यों दे रहे हो? तुम तो कस्टमर कह रहे हो ना, बता रहे हो तो कर रहे। हेलो सुनो ना, ऐसा क्यों हो रहा है सुनना? हेलो मैंने क्या परेशान कर दिया इसको, इसका इतना ज्यादा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, बहुत गुस्सा।